क्योंकि वो एक जगह रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, क्योंकि जहां वो रुकते हैं वहां पे उनके भक्तों का, जिसे कहते हैं, संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है। वीडियो कभी वो बनाने नहीं देते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहां पे मेंशन और कर दूं, कभी भी वो किसी भी कैमरे पे नहीं आते हैं, लेकिन महाराज जी जो हमारे साथ थे आज, उनकी कृपा से वो आज हमारे वीडियो यानी कि हमारे चैनल पर आए, हमारी वीडियो में आए। इतने भक्त यहाँ पे बाबा जी का इंतज़ार करके यहाँ पे उनकी एक झलक के लिए कब से बैठे हुए थे, और अब उनको बाबा जी के दर्शन हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज से पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो आप सभी के साथ में शेयर किया था, जो कि अगर आपने देखा भी होगा, श्री जी की बैठक। वहाँ पे जो श्री जी की बैठक है, वहाँ पे एक आश्रम था बीच में। श्री जी की बैठक पे जाने के लिए एक आश्रम से हमें होते हुए जाना था, जो कि आश्रम था फलारी बाबा जी का। और उस समय मुझे उनकी एक झलक के दर्शन हुए थे, लेकिन उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया था। आज मैं उन्हीं के एक आश्रम में आया हूं, और जिनके साथ मैं आया हूं वो है नंदगांव के निवासी, और हमारे साथ एक महाराज जी भी है आज, जो आज हमें फलारी बाबा से दर्शन कराएंगे आज हमें उनके, और देखेंगे किस रूप में उनके दर्शन होते हैं। क्योंकि जो हमने एक झलक देखी थी, उनकी सिर्फ एक झलक मात्र देखी थी, तो आज अगर कृपा हुई उनकी, अगर उनके एक अच्छे से दर्शन हो गए, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे उनके दर्शन, अगर पॉसिबल होगा तो चलते हैं अंदर। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, जो जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इसके बारे में, जो यहाँ के नंदगांव के निवासी मेरे साथ आए हैं, और जो महाराज जी हमारे साथ आए हैं, उनसे मैं एक बार आपकी भेंट करवाता हूं, और उनसे जानते हैं ये जगह कहां पर है और नंदगांव से कितनी दूर है ये जगह। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी, यहां के बारे में आप हमें बताइए कि ये स्थान कहां पर है, और जो आप हमारे साथ, आपका सबसे पहले मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नरवीर सिंह है जी। नरवीर सिंह जी। नरवीर सिंह। नरवीर सिंह। और महाराज जी, मेरा नाम रामचरण दास है। रामचरण दास। अकबरपुर स्थान है। अकबरपुर और स्थान है, और नंदगांव में भी स्थान है। ये नंदगांव से करीब 24 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ स्थान। ये स्थान। तो इस स्थान का नाम क्या है हमारा? इस स्थान को कहते हैं बिलासकुंड। बिलासकुंड। हाँ जी। और ये जो जिस जगह पे आता है, कौन सा गांव है लगता है? ये गांव बेड़ा है, होड़ल से 3 किलोमीटर आगे है, बेड़ा पट्टी कहते हैं इसे। और यहीं पर जो महाराज जी आते हैं, फलारी बाबा। हाँ। तो आज हम उनके दर्शन करने जाएंगे महाराज जी, और अगर उनके कृपा हुई तो आज हम उनके दर्शन भी करेंगे, अगर संभव हुआ तो, उनकी कृपा अगर हुई। और आप नंदगांव के निवासी हो, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हमको लेके आए थे जो नंदगांव के निवासी है, और इन्होंने ही महाराज जी से हमारी भेंट करवाई, और महाराज जी आज हमें यहाँ पे लेके आए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कितने समय पहले आपने महाराज जी के दर्शन किए थे फलारी बाबा के? मैंने करीबन 1.5 महीने पहले दर्शन किए थे। 1.5 महीने पहले किए थे। तो और महाराज जी आपका? वो भी हमारे साथ ही गए थे। महाराज जी के साथ ही। जब भी और बढ़िया भाई, रोज चले जाते हैं सुबह। वो सुबह चले जाते हैं, इसलिए जो है चलते हैं महाराज जी अंदर, और देखते हैं किस रूप में उनके दर्शन होते हैं। ठीक है। राधे राधे। तो आपको मैं यहाँ पे एक बार ये मैं बता दूँ, ये है फलारी बाबा का आश्रम, और उसी का ये मेन द्वार है, और इसको कहा जाता है विलासकुंड। तो चलते हैं अंदर की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो स्थान है, हुडल से 3 किलोमीटर दूर है, अगर किसी को पता है हुडल तो वहाँ से ये 3 किलोमीटर दूर है। वो देख रहे हो वहाँ पे, मुझे लगता है एक मंदिर है, वहाँ पे भी आपको मैं दर्शन कराऊँगा। उस तरफ में मंदिर है वो, तो वहाँ पे चलेंगे दर्शन करने, लेकिन देखते हैं पहले फलारी बाबा जी के हमें दर्शन हो जाए तो। और अगर मैं सामने देख पा रहा हूँ तो काफ़ी बाइक्स वगैरह है, और गाड़ियाँ तो बाहर आपने देखी हैं, अगर देखी होंगी तो गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं, लेकिन बाइक्स वगैरह जो अंदर आ सकती थी। इस आश्रम का, फलारी बाबा के आश्रम का, सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी भक्तजन बैठे हुए हैं। आई थिंक वहाँ पे फलारी बाबा के दर्शनों के लिए वो बैठे हैं, तो कोशिश करूँगा आज आपको मैं उनके एक दर्शन, एक झलक दिखा पाऊँ।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं यहाँ पे फलारी बाबा के दर्शन के लिए। तो अगर उनकी कृपा हुई, अगर उनके हमें दर्शन प्राप्त हुए, तो मैं आपको भी उनकी एक झलक ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर। और जैसे कि मैंने दिखाया, काफ़ी भक्तजन जो गाड़ियों में आए हैं वो गाड़ी बिल्कुल बाहर खड़ी है, गेट के अंदर नहीं आ सकती है, और जो बाइक से आए हैं वो अंदर लेके आ गए हैं थोड़ा। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है मेन द्वार फलारी बाबा जी का, यहाँ से ही रास्ता जाता है अंदर, और काफ़ी श्रद्धालु बैठे हैं अंदर उनके दर्शनों के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं आज उनकी एक झलक अगर हमें मिल पाती है। बाबा जहाँ पे यहाँ पे बैठे हुए सारे भक्त, यहाँ पे एक झलक के लिए बाबा जी इतने लोग इतनी जैसे कहते हैं व्याकुल से बैठे थे, अब उनको यहाँ पे दर्शन हुए उनके। और सामने एक अभी आपको जैसे मैंने महादेव जी के मंदिर में दर्शन कराए उधर, और यहीं पर ही सामने आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन होते हैं। पे हनुमान जी के मंदिर में आपको परिक्रमा भी देखने को मिलती है, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे परिक्रमा दिखाना की कोशिश करूँ,
ये हनुमान जी की परिक्रमा मार्ग। और बहुत ही, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि पूरी वॉल जो है, पूरे अंदर की वॉल पूरी रेड है, यानी कि लाल है भगवान का, जैसे कि लाल सिंदूर होता है, ऑरेंज सिंदूर होता है। इतने भक्त यहाँ पे बाबा जी का इंतज़ार करके यहाँ पे उनके एक झलक के लिए कब से बैठे हुए थे, और अब उनको एक बाबा जी के दर्शन हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी आप सामने बाबा जी के जो फल रखे हुए हैं, उसी फल को जो भक्त लाते हैं यहाँ पे, उसी फल को बाबा जी यहाँ पे सभी भक्तों को बांट देते हैं, और वो सब भक्त प्रसाद के रूप में लेते हैं। और जिस स्थान पे सामने, जैसे कि आपको जो दर्शन हुए हैं अभी फलारी बाबा जी के, और उन्हीं के आश्रम में यहाँ पे एक परिक्रमा भी है, ये आश्रम की परिक्रमा है पूरी। तो जैसा कि आपने देखा फलारी बाबा के इतने सुंदर में दर्शन हुए मुझे, कितने सारे भक्त आपने देखे हैं सभी उनके दर्शन के लिए, एक झलक के लिए उनके बैठे हुए थे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ महाराज जी आए हैं, एक तो नंदगांव के निवासी है जिनको मैंने आपसे मिलवाया, और एक जो महाराज जी हैं वो फलारी बाबा के खास हैं बिल्कुल। तो फलारी बाबा यहाँ से जा रहे थे अपने, वो क्योंकि वो एक जगह रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, क्योंकि जहाँ वो रुकते हैं वहाँ पे उनके भक्तों का, जिसे कहते हैं, संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वो रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी, वो चलते रहते हैं। तो वो जा रहे थे महाराज जी, तो जो आज हमारे साथ एक महाराज जी आए हैं, उन महाराज जी ने महाराज जी को बोला, आवाज़ लगाई, और उनको एक ब्रज लैंग्वेज में कहते हैं दंडवत करना, यानी कि उनको प्रणाम किया सूर्य नमस्कार करके, और उनको तब वो उनके पास आ गए वापस, और यहाँ पे तब वो बैठ गए आके। उनके जो दर्शन हुए वो मुझे इतने आनंदपूर्वक हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वीडियो कभी वो बनाने नहीं देते हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन और कर दूँ, कभी भी वो किसी भी कैमरे पे नहीं आते हैं, लेकिन महाराज जी जो हमारे साथ थे आज, उनकी कृपा से वो आज हमारे वीडियो, यानी कि हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियो में आए, और बहुत देर आपने जो दर्शन किए उनके शांतिपूर्वक, जिस प्रकार आपने देखा भी है वीडियो में, और जो यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन होते हैं और हनुमान जी के जो दर्शन होते हैं बहुत आनंदपूर्वक होते हैं। और हनुमान जी की जो परिक्रमा आपने देखी है अंदर, काफ़ी आनंद आया उस वहाँ पे मंदिर में अंदर दर्शन करके और परिक्रमा लगा के। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही,
और अंत में अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपको सबको पता है कि ये मोतीकुंड का कार्य हमने शुरू करवा दिया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मोतीकुंड के कार्य के लिए हमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि मोतीकुंड के कार्य में कोई रुकावट ना आए। मैं पूरी अपनी जिसे कहते कोशिश में लगा हुआ हूँ कि भगवान के कार्य में कोई रुकावट ना आए। कार्य ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मैं देता रहूँगा, लेकिन वो अब अपडेट आएगा आपको ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के चैनल पे। आप सब्सक्राइब कीजिए, जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाइए। और अगर आपको अकाउंट नंबर चाहिए हमारी ट्रस्ट का और IFSC कोड और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए अगर हमारी, तो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जाइए और जितना भी आप सहयोग करना चाहते हैं आप हमें सहयोग कीजिए। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको क्यूरी है आपको ट्रांजेक्शन को लेकर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।